आगे बढ़ते बागेश्वर के कपकोट में पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 3 दिवसीय पैरा ग्लाइडिंग प्रतियोगिता का यहां पर शुरुआत की गई है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी और इसी के साथ डीएम अनुराधा पाल ने यहां पर फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जालेक से उड़ान भरकर पायलट केदारेश्वर मैदान पहुंचेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पैराग्लाइडर को 50,000 रुपये के इनाम राशि दी जाएगी। इस अवसर पर 31 पैराग्लाइडरों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। कुछ पायलटों की लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई और एक मैदान से दूर खेतों में लैंडिंग की गई है, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। एक पायलट मैदान में ही जमीन पर गिर गया, जिससे पायलट को हल्की फुल्की चोटें भी आई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। दोबारा वह पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हुए। बागेश्वर उत्तराखंड में आपको बता दें कि इस समय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज किया गया है। उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हो रही है, जो कि इसमें लगभग हमारे 31 पायलट्स ने प्रतिभाग किया है। 49 रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये एक अपार संभावना है यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित हों। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा केदारीबगड़ का कपकोट का मैदान है, जो लैंडिंग मैदान है, और जो जियालेक का हमारा टेक ऑफ मैदान है, वो वन ऑफ दी बेस्ट काइंड ऑफ है, जो कि हमें पायलट्स का फीडबैक मिला है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है और वैली बहुत चौड़ी है। तो यहाँ पर क्रॉस कंट्री भी या एक्रोडाइनमिक्स जितनी भी तरह के पैराग्लाइडिंग में विधाएँ होती हैं, सबकी अपार संभावना है। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता जो रखी गई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पायलट प्रतिभाग करने आ रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर सुंदर तरीके से जालेक से उड़ान भरकर यहाँ केदारेश्वर मैदान में लैंडिंग कर रहे हैं। और जो इस पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों का लंबे समय से प्रयास था, इस प्रयास को सफल बनाने में माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने हमेशा प्रयासरत रहे और सफलता पाई। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत अच्छा साइट है, लेकिन थोड़ा सा साइट में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने डायरेक्ट नहीं है। और एक समय के बाद, जैसे टाइम के बाद, हवा में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ग्लाइडर को इधर उधर कर दे रहा है, तो इसी से मैं थोड़ा सा साइड में चला गया। आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्या मेन था कि मैं एकदम डाउन हो गया था, तो मैं इस हाइट पे नहीं था कि जहाँ पर हमारे लैंडिंग है उससे बहुत नीचे आ गया था मैं। तो वहाँ से अगर मैं इधर को अप्रोच बनाता तो मैं नदी में चले जाता, तो मुझे खेत दिखा तो मैं खेत में लैंडिंग कर गया। जो कल हमने पायलटों से एक चर्चा की, तो पायलटों ने जो है कल यहाँ पर प्रैक्टिस करी थी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो हमारा स्लोप्स है, टेक ऑफ और लैंडिंग है, बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर एक पैराग्लाइडिंग की बहुत एक अच्छी संभावना है, और जिसको हम आने वाले समय में इसे विकसित करेंगे ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पर आए और इसका लाभ उठाए। आज की संभावना को देखते हुए लगता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल का भी आयोजन यहाँ पर किया जाए? बिल्कुल लगता है, अगर ये हमारे जो पर्यटक जो फीडबैक हैं, इसके आधार पर जो है हम आने वाले समय पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रतियोगिता करवाएंगे।